गरिमा दसौनी जी इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। गरिमा जी, आप कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ अलग तरह की रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं, टिकट वगैरह भी देने में उस बहुत ही ध्यान रखा जाएगा कि युवा चेहरों पर दाम ज़्यादा लगाए जाएंगे, कई दिग्गज और कई बुजुर्ग नेताओं को लेकर आप लोग भी असमंजस में हैं कि इनका क्या किया जाए। क्या 21 साल के इतिहास को कांग्रेस या बीजेपी भूल जाएगी क्या, क्योंकि पिछले 21 साल में इन्हीं नेताओं की पैठ अभी तक रही है और अभी भी दिख रही है। भले युवा नेता उनको आगे करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जो हैं दिग्गज नेता, जो बुजुर्ग नेता, उनकी पैठ ज़्यादा है अभी भी, कांग्रेस के अंदर भी ज़्यादा है उनकी अभी। महोदय, मैं आपके डिबेट में पिछले 8-9 मिनट से जुड़ी हुई हूँ और मैं पूरा शादाब समझी का है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये डिबेट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका अकेला इंटरव्यू आपसे है। शादाब समझी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें यहाँ पर रखी। पुष्कर धामी के बहुत सारे कतीदे पढ़े, जैसे ये पहले अपने दो मुख्यमंत्रियों के पढ़ा करते थे, लेकिन जब पहला वाला भी फेल हो गया, 4 साल अकर्मण्य मुख्यमंत्री को आपने प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया और उसके बाद उसको ये कहकर डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा लाएंगे, और दूसरे वाले को फिर आपने 4 महीने के अंदर विदा कर दिया। कारण पटी जींस था या कारण अमेरिका की गुलामी थी, वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने दूसरे वाले को भी फेल की मोहर लगा दी। अब ये जो तीसरे वाले महारथी आए हैं, इन्होंने पिछले वाले दोनों को पीछे छोड़ दिया। भ्रष्टाचार के जितने मामले ये तीसरे नए मुख्यमंत्री जिनको ये युवा चेहरा कह रहे हैं, उस युवा चेहरे की आड़ में इस नए मुख्यमंत्री ने प्रदेश का क्या बंटाधार किया, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं फैलाया। आप देख लीजिए, खनन को संरक्षण देना, नंदन सिंह बिष्ट की चिट्ठी से ये बात पुष्टि हो जाती है, उनकी बहाली से पुष्टि हो जाती है कि मुख्यमंत्री जी खनन प्रेमी हैं। फिर आबकारी में एक अफसर को हटाया जाना और एक खास मकसद के पीछे हटाया जाना, वो इनको शराब प्रेमी बना देता है। शिक्षकों के तबाड़ तोड़ जो इन्होंने ताबड़तोड़ नियुक्तियां करी, तबादले किए, वो बताता है कि मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। सारा कुछ विभागों में जो बंदरबाट चल रही है और चुनाव आने वाले हैं, सारे नेताओं की जेल भरने का जो इन्होंने काम किया, खुद फतिमा से इनको अपनी सीट खजबजा रही है, इनकी सीट ऐसा लग रहा है इनको गड़बड़ लग रही है अपनी सीट, तो ये दूसरी जगह से भी अपने को टटोल रहे हैं, शायद कैंट विधानसभा से उतरने की सोच रहे हैं। और जो ये आयु पर भाजपा अगर सवाल उठा रही है कि मार्गदर्शक बन जाना चाहिए, तो फिर हरबंस कपूर की 2017 में क्या आयु थी जरा बताने का कष्ट करें। भाजपाई की हरबंस कपूर और चुपाल जैसे नेताओं की आज जो दोनों 80-80 से ऊपर हो गए हैं, आप उनको जेल रहे हैं, कढ़ेल रहे हैं, और हरबंस कपूर जी अभी नहीं रहे हमारे बीच में, नहीं तो इस बार भी हरबंस कपूर जी को आप लड़ाते और 80 से 85 के बीच में उनकी उम्र है, तो उम्र की बात कम से कम भाजपा ना करे। सबसे पहले अगर मार्गदर्शक मंडली में डालना है तो फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को डालिए, आप डालिए तमाम उन नेताओं को जो इतनी समय से आप लोग 60 के बाद राजनीति छोड़ने का जो नारा देते हैं, वो आप खुद आत्मसात नहीं करते। आपके वहाँ इस तरह से बुजुर्ग नेताओं की या मार्गदर्शकों की अवहेलना होती है, अपमान होता है, और यहाँ पर जो ये युवा जोश कह रहे हैं और कह रहे हैं इतने युवा चेहरे जीत कर आए, ये जीत कर आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितने सब्जुबाग सादा सम देख रहे हैं, इनसे बता दीजिए कि आपकी कलाई आज खुल चुकी है। पूरा प्रदेश अगर कोई चर्चा कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके भ्रष्टाचार की चर्चाएं हो रही है। सारे प्रदेश के सामने आप लोग निर्वस्त्र हो गए, एक नंगा नाच हमने यहाँ देखा, सत्ता का दुरुपयोग होते हुए देखा और अभी भी देख रहे हैं। प्रतिदिन के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ ई श्रमिक कार्ड बन रहा है जो कि आदर्श आचार संहिता के बाद नहीं बन सकता। अभी भी छात्र छात्राओं के खाते में 12,000 रुपए डाले जा रहे हैं जो कि नहीं डाले जा सकते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, और तमाम तरह की चिट्ठियां जारी हो रही हैं खनन के वाहनों को छुड़वाने की। सूर्यधार झील में तो खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री के पायलट प्रोजेक्ट पर या ड्रीम प्रोजेक्ट पर जांच बिठा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, तो आप सोच सकते हैं कि इनके वहाँ खुद ही एका मतलब नहीं है। मतलब गरिमा जी आप ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो भी नेता है, चाहे वो बुजुर्ग हैं या फिर युवा हैं, सभी लोगों को आप लेकर चल रही हैं। शादाब जी की पार्टी में असमंजस है, असमंजस वैसे शादाब जी क्लियर कर दिए कि कोई असमंजस नहीं है, अगर ज्यादा उम्र हो गई है तभी वो पार्टी में है, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से पार्टी काम करेगी।